मायसेल्फ गौरव शर्मा फ्रॉम उड़ान एड मॉडलिंग क्लब। हमारा आज ये प्रोजेक्ट है फ्लाइंग सोल, इसका नाम है प्रोजेक्ट का। इसका यूज हम एप्लीकेशन बेसिकली है कि ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसफर कर के लिए यूज करता हमें इसका, है ना। लाइक जैसे किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ऑर्गन्स ट्रांसफर करने हैं अपने को, तो उसके लिए ज़्यादातर एम्बुलेंस यूज की जाती है। तो कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक जाम मिल सकता है अपने को, रोडवे खराब हो, फास्ट सर्विस हो गई। यस सर, फास्ट सर्विस के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया हमने, लॉन्ग रेंज के तो ऑलरेडी हमारे पास हैं एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ये अपना शॉर्ट रेंज के लिए जैसे पर्टिकुलर किसी सिटी के लिए यूज किया है जिसमें टाइम बच जाए अपना। ये अपना दोनों वे में वर्क करता है, ऑटोमेटेड भी है और अपन इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड है जिसमें ऑटोमेशन के लिए इसमें GPS यूज किया है, ये GPS मॉड्यूल है और इसके अंदर एक MPU 6050 जो जायरो एक्सेलरोमीटर है वो यूज़ किया है और एक माइक्रो कंट्रोलर जो कि KK फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं उसको, ठीक है। उन वो तीनों चीज़ें इसको ऑटोमेटेड बनाने में काम आती हैं। इसमें हम कमांड्स देंगे, लोकेशन सेट करेंगे, तो ये क्या है जो लोकेशन सेट की होगी ना उस लोकेशन पर जाके लैंडिंग करेगा और अपना ऑटोमेटेड तो वो वहाँ पे जाके निकाल लेंगे जिसको भी कमांड। एक से दो किलो के बीच में वेट कैरी कर सकता है और ऑर्गन्स का वेट, एक ऑर्गन्स का वेट लगभग किलो मैक्सिमम सर अपना ब्रेन का है, 1300 ग्राम होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा थोड़े हो। बेसिकली आप ये भी पूछ सकते हो कि इसमें ड्रोन है अपना, एक टाइप का ड्रोन ही है, अपन ड्रोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रोन क्यों नहीं यूज़ किया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो इसकी जरूरत पड़ी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी, क्योंकि ड्रोन में क्या अपना जो ऑर्गन है वो नीचे लटकेगा। अपन इसमें चैम्बर बनाया है, पहला पर्पज़ वो हो गया सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। दूसरा पर्पज़ ये, अगर अपने जैसे ड्रोन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हुआ वो सीधा क्रैश करेगा, इसमें क्या करेगा अपने इतने सारे मोटर्स हैं, अगर इनमें से एक भी मोटर खराब हुई तो अपन बाकी मोटर्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये मोटर खराब हुई तो अपन इनके थ्रू टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, अगर ये मोटर खराब हुई तो अपन उसके थ्रू थ्रस्ट प्रोवाइड करके उसको फ्लाई कर सकते हैं और लैंड भी करवा सकते हैं। तो मेन इसका सिक्योरिटी पर्पस भी है और टाइम सेविंग भी है। मैनुअली भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें एलेरॉन्स लगाया हमने, ऑल मोटर ऑफ है तो हम इसको ट्रांसमीटर से कंट्रोल करेंगे। ये ट्रांसमीटर से इसका स्पीड, ये इसके लिए थ्रस्ट के लिए, इसके एलेरॉन्स वगैरह और रडार्स को मूव कराने के लिए। हां ये पूरा वो ड्रोन है, ड्रोन बेस्ड है। माय नेम इज तनु कुमार सागर, आई एम फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा जयपुर कैंपस। ओके सो ये है हमारा मून रोवर नाम से, इसमें हमने चार मोटर डाले के 300 RPM की चार है और इसमें ये है L293T मोटर ड्राइवर जो स्पीड को बढ़ाता है और कम करता है, ऑटोमेटिक कम करता है क्योंकि अभी थोड़ा और इसमें एनहांसमेंट करना था कि स्पीड धीरे से हो। और इसमें बता देता हूँ ये हो गया, तो इसमें क्या होता है अल्ट्रासोनिक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाता है, इसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस से 5 से 7 सेंटीमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये इसको सेंस करके इसको भेजता है इन्फॉर्मेशन और ये जीरो जनरेट करता है और जीरो पे रुक जाता है। और ये ऐसे भी नहीं कि ये रुका हुआ ही है, बस ये देख रहा है कि आसपास से कहीं से निकल जाइए। अब जैसे वो रुका तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर अब क्लियर पाथ फाइंड कर रहा है कि जहाँ इसको क्लियर मिलेगा कि उस डायरेक्शन में तभी जाएगा। सर्वो मोटर नीचे इसको इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कर देगा क्या रास्ता निकाल देगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप उपाध्याय सर। कौन सी कॉलेज से? पूर्णिमा कॉलेज। पूर्णिमा कॉलेज से सर, ये RC प्लेन है जिसका नाम है स्टार, ये रिमोट कंट्रोल होता है। इसमें बेसिकली हमने सुपर कंप्रेस थर्मोकॉल का यूज़ किया हुआ है इसके कंपोनेंट में। इसमें थ्रस्ट जनरेट करने के लिए BLDC मोटर जिसकी 9-10 kV रेटिंग है और प्रोपेलर यूज़ किया हुआ है इसमें, नाइट्रोजन प्रोपेलर है सर ये। और ये इसके एलिवेटर्स हो गए, ये एलरडर्स और एलेरॉन्स हो गए, ये इसको मूव ये को टेक ऑफ लैंडिंग लेफ्ट राइट मूव कराने में मदद देते हैं। इसका बेसिक जो यूज़ है वो सिविलियंस में आ जाता है, इसका ग्लाइडिंग टाइम ग्लाइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए आप इसे सारे स्टंट्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, इससे आप मैक्सिमम ग्लाइडिंग कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम ग्लाइडिंग टाइम 1 मिनट 30 सेकेंड है, रिसेंटली हमने IIT में किया था, वहाँ 1 मिनट 8 सेकेंड आया था। सर हमने इसका फर्स्ट ट्रायल MNIT में किया था जहाँ इसने स्टंट्स में फर्स्ट रैंक ली थी इसके। और इसमें सर देखिए हमने एक बैटरी यूज़ किया जैसे यहाँ पे 4200 kV की है, MAH की है सर, 4200 mAh की 3 cell battery है सर ये। इसके
इसके अंदर यहाँ पर हमने एक ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ किया है जो कि 6 चैनल्स का है। क्लियर है, ये इसका ट्रांसमीटर है सर जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता मैनुअली ऑपरेट होता है। और इसमें सर हमने आपको थोड़ा सा और दिखाऊँ जैसे कि, तो देखिए नीचे इसमें हमने एक ये जगह है ये पेलोड ड्रॉप करने के लिए, इससे आप कोई भी लोड वगैरह इसमें रख के ड्रॉप कर सकते हो, जैसे गोल्फ वगैरह बॉल जैसे अच्छा, हमने अच्छा, हाँ इससे थ्रू ये इससे कंट्रोल है। ये सर इसमें सर्वोज लगी हुई है इसके करेक्ट इसको ऑपरेटिंग के लिए, इस साइड की सर्वोज है जो इसको आप मूवमेंट देती है। और सर ये मतलब एक बार अगर इसकी बैटरी अगर हम फुल चार्ज करते हैं तो ये 45 मिनट्स तक इसका हमें ग्लाइड कर सकता है, फ्लाई कर सकता है बिना रुके। इसमें ESC यूज हुई है और इसको हमने मतलब इसका जो पूरा जो है सीट्स के थ्रू ही हमने इसको पूरा बनाया है। मतलब आप इसमें हम यहाँ पे एक कैमरा यूज़ करते हैं जो कि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्ट रहता है और ये फ्लाई करता रहता है। देखते रहिए आप, जैसे आपको कोई फॉर्म वगैरह आएगा तो आपको बहुत जमीन है आपको उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आप इसको फ्लाई करके छोड़ दीजिए। ये ऑटोनोमस है सर, ऑटो पायलट मोड पर भी वर्क करता है, ऑटो पायलट मोड पर करता है। इसमें ये वी शेप, ये देखिए रडर और एरेलॉन्स है, इसका वी शेप दिया है, इस सडनली उसके आपको ऑप्टिकल आता है तो तुरंत टर्न कर लेगा, बहुत फास्ट टर्न करेगा जिससे ये एयर थ्रस्ट को पीछे से जनरेट। इसका पीछे का साइड है, ये फ्रंट साइड है। इसमें भी हमने BLDC मोटर यूज़ किया और इसमें बैटरी कंजप्शन अदर्स के कम कम है, मतलब बहुत कम। इसमें हमने जो रिसीवर यूज़ किया वो 10 चैनल्स का किया, वही ये मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है और ऑटोनोमस भी हो सकता है। इसमें आप जिसको उड़ा दोगे तो ये अल्टीट्यूड पर जाके वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, ये प्रेशर क्या है, वो भी डिटेक्ट कर सकता है। इसमें ये था।